एक कदम गांव की ओर। आपके अपने पंचायत से लाइव रिपोर्ट, डेली न्यूज झारखंड पर। डेली न्यूज के सभी दर्शकों को इम्तियाज अंसारी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, झारखंडी जोहार। दोस्तों, हम गढ़वा सदर प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत अंतर्गत हम खड़े हैं दरमी नवाड़ी में। दरमी जहां पे अच्छी खासी एक आबादी रही है, और एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई जो दिव्यांग हैं। उनके घर में पता चला कि तीन तीन दिव्यांग हैं, और अभी तक उन लोगों का ना ही दिव्यांग पेंशन बना और ना ही अभी तक कोई आवास मिली है। आइए हम उस शख्स से मुलाकात करवाते हैं। आपकी स्वागत है आपका, क्या नाम है? मिनहाजुद्दीन साहब। घर कहाँ है? दरमी नावाडे। क्या है मामला? मामला यही है कि जो है हम लोग गरीब हैं, विकलांग हैं, उसमें जो है देखिए हमारा घर देखे रहे हैं, न कोई आवास न कोई कॉलोनी, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। और लड़के बच्चे भी हैं, काफ़ी मेहनत मजदूरी हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं, इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। कोई सरकारी फंड और कोई ये हमारे पास नहीं है। आप कहाँ कहाँ गए कि आपकी फरियाद नहीं सुनी गई? हम दो मरतबा वीडियो के पास गए हैं, समझे ना, वहीं से जा करके फिर वहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ से फिर हम जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। गांव के मुखिया होंगे, उन तक आप पहुँचे? उनसे बोले तो बोले कि जो है अभी जब तक तुम लिस्ट में नाम नहीं आएगा तब तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाएगा। तो लिस्ट में नाम नहीं रहने के कारण अभी तक प्रधानमंत्री आवास से ये अछूता रह गए। इनके घर में तीन लोग विकलांग हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इनको दिखाया जाए, कद में भी छोटे हैं, और तीन लोग विज्ञान हैं, दिव्यांग हैं। उनका बच्चा है, छोटा बच्चा जो भी दिव्यांग है। लगातार सरकार गरीब असहाय लोगों पर रहम कर रही है, उनको आवास मुहैया करा रही है, सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, लेकिन दरमी का नज़ारा ही कुछ और है। यह दरमी नावाडी, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका मकान को भी हम दिखाना चाहेंगे आपको, कि इनका मकान किस तरह का है और किस तरह के मकान में अपने पूरे बाल बच्चे परिवार के साथ ये रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको क्या कहा जाए। जब हमारी टीम दरमी नावाडी में पहुंची तो पाया कि अभी तक इनका आवास के लिए नॉमिनेशन नहीं हुआ, इनका सूची में नाम नहीं है, और उसी का कारण है कि अभी तक इनका आवास नहीं बना। कैमरामैन राजा के साथ मैं इम्तियाज अंसारी, डेली न्यूज झारखंड, गढ़वा।